राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय महाकाली। अगर माताएं बहनें कोई भी गर्भवती होती है तो उस समय उनको ग्रहण के दोषों से बचना जरूरी होता है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट है, शास्त्री है, ज्योतिष आचार्य है, महाराज जी है, वो आपको बताते हैं कि ग्रहण के कोई भी ग्रहण हो, जैसे विदेश में भी लगा हो या देश में भी लगा हो, आपको ग्रहण नाम से ही आपको परहेज रखना शुरू कर देना है जो माता बहने गर्भवती होती है। ऐसे में क्या करें आप, एक डाब का टुकड़ा आपको उस समय जब ग्रहण, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, जैसे अभी चंद्र ग्रहण निकल गया, सूर्य ग्रहण आने वाला है, तो ऐसे ग्रहण के समय आप तो घर में ही रहिए, अपने इष्ट देव का नाम लेते रहिए और थोड़ा सा डाब या तुलसी का पत्ता अपने पास जरूर रखिए, जिससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। और माता भगवती की सेवा जरूर कीजिए, उस समय माता भगवती का नाम लीजिए। पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, दीपक ज्योत हमारी प्रथा ऐसी है कि जब ग्रहण लगता है तो देवी देवताओं को पर्दा डाल दिया जाता है कि उसका कलंकित ना हो, दोष ना हो, तो हम ऐसे जगहों पे तुलसी के पत्ते, जिससे पानी खाने में, पीने के पानी में थोड़े तुलसी के पत्ते रख देते हैं, जिससे ग्रहण का दोष नहीं लगता। तो ऐसे माता बहन जो गर्भवती है, वो तुलसी का पत्ता अपने पास जरूर रखिए और माँ भगवती आपकी सर्व मनोकामना पूरी करें। जय श्री महाकाल।